नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किताबों की दुनिया में। इस चैनल पर मैं किताबों से संबंधित जानकारियाँ और रिव्यूज़ शेयर करता हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आ जाए। तो आज के वीडियो में मैं जिस किताब के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है प्रेम कबूतर। यह किताब लिखा है मानव कौल ने, और यह प्रकाशित हुई है हिंद युगम प्रकाशन के द्वारा। मानव कौल एक एक्टर हैं, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा ख्याति तब मिली थी जब उन्होंने एक नाटक लिखा था अरण्य, और काफ़ी सराहा गया था उस नाटक को देश विदेश में, और इसके बाद से वो उन्होंने एक बॉलीवुड में भी कुछ फिल्में भी की हैं। तो आइए अब किताब के ऊपर एक नज़र डालते हैं कि क्या है इस किताब में। प्रेम कबूतर जो किताब है ये मूलतः 8 लघु कथाओं का संग्रह है, लेकिन सभी कहानियों में एक बात है जो आपको हर कहानी में मिलेगी, और वो ये कि जो भी पात्र हैं इन कहानियों के, जो भी मुख्य नायक हैं इन कहानियों के, उनके अंदर एक उदासी है और वो किसी न किसी चीज़ और किसी बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। उनके अंदर इस चीज़ की बड़ी तीव्र इच्छा होती है, लेकिन वो अपने आसपास के लोगों या फिर जिससे वो सबसे करीब हैं उनसे भी इस चीज़ को बयान नहीं कर पाते हैं, उनके सामने खुल के बोल नहीं पाते हैं। जो पात्र होता है वो अपने मन की दुनिया में खोया रहता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि अपने मन की दुनिया में खोया रहना चाहता है। किसी भी घटना के होने से पहले वो उसके बारे में उसके पहले और उसके बाद सोचता रहता है, लेकिन जब वो घटना घट रही होती है तो वो उस समय वर्तमान में नहीं रहता है, वो कुछ और ही सोच रहा होता है। और उसके आसपास के जो दूसरे किरदार होते हैं उस ऐसे किरदार उनसे इस बात के लिए काफ़ी खफा भी होते हैं कि वो, तो इस तरह के किरदार तकरीबन हर कहानी में आपको मिलेंगे। एक और बात लेकिन इस इन कहानियों में जो आपको मिलेगी वो ये कि भले ही ये पात्र किसी न किसी उलझन में फंसे हुए हैं, उदासी है उनके जीवन में, लेकिन कहानी के ख़त्म होने तक वो अपने इस उलझन से दूर हो जाते हैं, वो इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अपने अंदर के पंछी को वो छोड़ देते हैं जिसे उन्होंने खुद बांध के रखा था, या तो किसी अधूरे रिश्ते की वजह से, या तो किसी समाज की रीति रिवाज की वजह से, या किसी और कारण से, और वो पंछी कहानी के अंत में अपनी मर्जी से उड़ना शुरू करता है। तो उदासी आपको पूरी कहानी में मिलेगी, लेकिन कहानी के अंत में एक आशा की किरण भी जरूर मिलती है, और ऐसा मानव कौल जो है वह इस किताब के भूमिका में भी कहते हैं कि उन्हें दिलचस्पी सफलताओं की कहानी से या फिर जीत की कहानी में नहीं है, उनकी ज़्यादा दिलचस्पी उसमें है जहाँ पर उदासी है, जहाँ पर इंसान हारा हुआ है और वो उसे संघर्ष करता है और उसे बाहर निकलता है। तो आइए देखते हैं कि इस किताब का नाम प्रेम कबूतर क्यों पड़ा। इस संग्रह की जो पहली कहानी है वो है प्रेम कबूतर, और ये मुझे बाकी सारी कहानियों से सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी। बहुत ही सादगी से भरपूर कहानी है। ये 3 दोस्तों की कहानी है। एक उसमें से सलीम है जो एक लड़की से प्रेम करता है, और इस बात का वो अपने बाकी 2 दोस्तों के ऊपर बहुत ही रौब झाड़ता है, इसका इम्प्रेशन जमाना चाहता है। दूसरा लड़का होता है राजू। सलीम जिस लड़की से प्यार करता है उसकी एक फ्रेंड होती है, राजू उसको पसंद करता है। और तीसरा होता है जो इस कहानी का मुख्य नायक है, वो भी सलीम जिस लड़की से प्यार करता है, मीनाक्षी होती है उसका नाम मीनाक्षी है, तो वो भी उसे प्यार करता है लेकिन दोस्ती की वजह से उससे बोलता नहीं है, क्योंकि वो दोस्ती के ऊपर उसने कई सारी फिल्में देखी होती हैं कि दोस्ती के लिए सब अपना जान कुर्बान कर देते हैं, सब चीज़ कुर्बान कर देते हैं, तो उसने लगा कि मैं भी दोस्ती के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार हूँ अपने प्यार की। तो लेकिन राजू जो होता है वो शर्मिला होता है, तो उसे प्रेम पत्र लिखना होता है लेकिन वो समझ नहीं पाता कि क्या लिखूँ, तो जो नायक होता है वो उसकी मदद करता है प्रेम पत्र लिखने में, और इस प्रेम पत्र लिखने के कार्य में वो नई नई कहानियाँ उसके ऊपर बनाता जाता है, जिससे कि वो लड़की पढ़ कर इम्प्रेस हो जाती है और राजू का भी उस लड़की के साथ प्रेम शुरू हो जाता है। लेकिन बीच में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि तीनों दोस्तों के बीच दरार आ जाती है, और फिर वापस वो लोग वापस इकट्ठे भी हो जाते हैं, और कहानी के अंत में मीनाक्षी जो कि सलीम से प्यार करती है वो
नायक के पिता के घर आना शुरू कर देती है और वहाँ पर वो ट्यूशन पढ़ाते हैं और वो ट्यूशन ज्वाइन कर लेती है और उनका एक रिश्ता एक नए सिरे से शुरू होता है। तो इस कहानी में भी वही चीज़ है जो मैंने पहले बताई कि बाकी सारे किरदार जितने भी किरदार हैं वो तो ये समाज वो अपनी दोस्ती के कारण अपने आप को बांध के रखे रहता है पूरे कहानी में, लेकिन जब वो कहानी का अंत जब पहुँचता है तो वो उन सारी चीज़ों को भूल जाता है और वो अपने लिए जीना शुरू करता है। इसी तरह की बाकी और भी कहानी है जैसे इति और उदय, शक्कर के पांच दाने, पहाड़ी रात, इन सब कहानियों में यही सारी चीज़ें मिलेंगी। अलग अलग किरदार हैं पर इन सारे किरदारों के बीच में यह बात सबसे आम है और सभी के बीच है सभी। और एक खास चीज़ मिलेगी, एक हर कहानी में मानव कौल ने एक काले महादेव के मंदिर की चर्चा की है। कहानी हर कहानी का जो मुख्य किरदार होता है वो परेशान होता है, खुश होता है, असमंजस में होता है, तो उस काले महादेव की मंदिर के पास पहुंचता है। इन सब के बीच में मुझे लगता है वो ये दिखाना चाहते हैं कि इंसान भले ही दुनिया से दूर हो जाए, कई ऐसे किरदार हैं जो उसमें नास्तिक भी होते हैं, लेकिन फिर भी मंदिर या फिर भगवान उनके पास जाकर जो शांति मिलती है उस शांति की तलाश हर एक पात्र को होती है। तो आप भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कि कैसी लगी आपको कहानियाँ। अगर आप ये किताब ख़रीदना चाहते हो तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक को यूज़ करके किताब ख़रीद सकते हैं। और ये ज़रूर बताइए कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं, और पसंद आया तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, मैं फिर से कहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नई किताब के साथ, एक नए रिव्यू, एक नई चर्चा के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और लाइफ एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।